प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहनों और भाइयों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। श्री यशपाल आर्या जी, श्री गणेश गोडियाल जी, श्री प्रकाश जोशी जी, श्री प्रदीप टमटा जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। उत्तराखंड से मेरे परिवार का एक पुराना रिश्ता है और जिस जगह बचपन की जो मीठी मीठी यादें होती हैं वहाँ से खास रिश्ता हमेशा होता है। आपको मालूम होगा कि मेरे पिताजी भी देहरादून में पढ़े, मेरे भाई साहब भी देहरादून में पढ़े, मेरे बेटे भी देहरादून में पढ़े 5 साल, और मैं भी 2 सालों के लिए देहरादून में पढ़ी और काफ़ी आपके प्रदेश में घूमने का भी मौका मिला। यहाँ रामनगर के साथ तो एक बहुत खास रिश्ता है, बहुत छुट्टियाँ हमने यहाँ मनाई। पास में कॉर्बेट पार्क है, आप तो जानते ही होंगे, सब यहीं के हैं। मुझे तो जब मौका मिलता था, बच्चों की 2 दिन की छुट्टी होती थी तो रात की जो पुरानी दिल्ली वाली ट्रेन है, जो स्टेशन से, पुरानी दिल्ली के स्टेशन से जो चलती है 10 बजे, उसमें बिठा के दोनों बच्चों को सीधे यहाँ आ जाती थी। आज यहाँ आ रही थी तो दिल खुश हो रहा था बस ये सोच के कि मैं रामनगर आ रही हूँ। और आपको शायद मालूम नहीं होगा लेकिन जंगल में एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर से मेरी आस्था 13 साल की उम्र से जुड़ी हुई है। मैं यहाँ से कभी नहीं जाती थी बगैर उस मंदिर में मत्था टेके। सिद्धबली बाबा नाम है, छोटा सा एकदम, आपको जानकारी भी शायद नहीं होगी, जो जंगल में रहते हैं उनको जानकारी होगी। तो यहाँ आकर, और वो भी नवरात्रि के समय, आज बैसाखी है, मैं अपना बहुत सौभाग्य समझती हूँ कि आज मुझे ये मौका आप लोग दे रहे हैं। तो अब बताइए, राजनीतिक भाषण सुनना है कि सच्चाई सुननी है? सच्चाई सुननी है, तो फिर बातचीत करते हैं थोड़ी। चुनाव का समय है, लोकतंत्र की सुंदरता होती है ये कि चुनाव है, कि 5 सालों में एक बार आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने वोट से अपना भविष्य बदल सकते हो, है कि नहीं? और उस समय मेरे जैसे नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे किसी और दल के हों, आके आपको भाषण देते हैं, आप सुनते हैं। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने सोचा मैं सुनूं मोदी जी क्या कह रहे हैं। तो भाषण ढूंढा उनका इंटरनेट पे, खोला, सुनने लगी। मैंने देखा उत्तराखंड का भाषण होना चाहिए, मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं मोदी जी। 5 मिनट भाषण सुना तो सच्चाई यह है कि मैंने सोचा मुझसे कोई गलती हो गई है, ये पिछले चुनाव का भाषण दे रहे हैं, नहीं, सच बात है। तो मैंने तारीख देखी कि भाई गलती तो नहीं होगी, पिछले चुनाव क्या उत्तराखंड का कोई भाषण खोल दिया होगा, लेकिन वो तो अभी 2 दिन पहले ऋषिकेश का भाषण था। बात वो वही कह रहे थे जो 5 साल पहले कह रहे थे, और जो बातें कह रहे थे उनको सुनकर भी मुझे ताज्जुब हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बार बार मोदी सरकार, कहा आपने भी सुना होगा, पिछले चुनाव में भी सुना होगा। अब मन में ये बात आती है कि भाई कितनी बार मोदी सरकार, कितने सालों के लिए भुगतेंगे आप। शुरुआत उन्होंने भाषण की ऐसे की, आपके प्रदेश को देवभूमि कह के, हम सब कहते हैं, सब आते हैं, सब मानते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। और भाषण के समय उन्होंने इस तरह से उसको कहा कि जैसे, क्योंकि वो इसको देवभूमि मानते हैं इसीलिए उनके दिल में यहाँ के लिए खास जगह है।
मन में मेरी ये बात आई, पिछले साल हिमाचल प्रदेश का चुनाव था, जहां जहां मोदी जी गए उन्होंने कहा कि ये देव भूमि है, हिमाचल प्रदेश को कहा। चुनाव कांग्रेस जीती, कुछ महीनों बाद आपदा आई, भयानक आपदा आई, लोगों के घर बर्बाद हो गए, एक परिवार था 7-7 परिवार के सदस्य बह गए, मंदिर टूटे, पहाड़ गिर गए। उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस देव भूमि को, जब जनता तरस रही थी कि राहत मिले, कांग्रेस का एक एक नेता, कांग्रेस का एक एक मंत्री राहत के कार्य में जुटा हुआ था, मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे थे, 24 घंटे घूम रहे थे, जाकर लोगों को राहत पहुंचा रहे थे, भाजपा का एक नेता नहीं दिखा, मोदी जी नहीं दिखे। दिखना छोड़िए, उसी चीज, उसी भूमि को जिसे वो कह रहे थे अपने भाषण में, देव भूमि कह रहे थे, जिसे वो कह रहे थे कि वो पूजते हैं, उसी भूमि के लिए उन्होंने एक पैसा राहत नहीं दिया, आज तक नहीं दिया है। जितनी राहत थी वहां हिमाचल प्रदेश की सरकार ने खुद दी, क्योंकि केंद्र सरकार देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि देव भूमि उनके लिए सिर्फ उसी समय थी जब चुनाव का भाषण देने का समय था, जब आपदा आई, जब मुश्किलें हुई, जब लोग संकट में थे, तो देव भूमि नहीं रही। और मुझे उनका यहां का उत्तराखंड का भाषण सुनते हुए मेरे मन में ये बात आई कि एक उनके लिए कर्मकांड हो गया है, आदत बन गई है, मंच पे आते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, देव भूमि, धर्म, लेकिन सच्चाई बहुत दूर है इससे। और सच्चाई ये है कि हिंदू धर्म में आस्था का प्रमाण क्या होता है, बताइए, कौन बताएगा? सच्ची आस्था क्या कहलाती है? आस्था का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण हिंदू धर्म में त्याग होता है, होता है कि नहीं? सच्ची श्रद्धा तभी होती है जब कुछ इंसान कुछ त्यागता है उसके लिए। और मुझे लगता है कि जब कोई त्यागता नहीं है तो उसके मन में सच्ची श्रद्धा जाग नहीं सकती। मैंने त्याग देखा है, आप यहां इस प्रदेश से सरहद पे जवानों को भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं शहीद बनने के लिए, शहादत आप समझते हैं। मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी मां के सामने मैंने रखी, मैं शहादत को समझती हूं और मैं त्याग को समझती हूं। कितनी भी गालियां दें ये मेरे परिवार को, उस पिता के लाश की अगर का अगर ये अपमान करें, उस शहीद पिता का अपमान करें, हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था नहीं टूटती इस देश में, हमारी श्रद्धा नहीं टूटती, इनके कहने से नहीं टूटती, क्योंकि हमने त्याग दिया है, हमने शहादत देखी है। चाहे कितनी भी गालियां दें, चाहे कितना भी करें, ये हमारे संघर्ष को समझ नहीं सकते, और ये हमारी श्रद्धा, हमारे देश के प्रति प्रेम को कभी नहीं समझ सकते, हमारे देशभक्ति को ये देशद्रोह कहें, हमें कुछ भी कहें, हम चुप रहते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है, नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है, सच्ची श्रद्धा है। इन्होंने अपने भाषण में ओआरओपी की बात की, सैनिकों की बात की, आपको बधाई दी कि आपके प्रदेश ने इतने सारे सैनिक सरहद पे भेजे, भाषण की बात है। अग्निवीर कौन लाया और क्यों लाया, क्यों लाए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में नौजवान बच्चे
दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, परिश्रम करते हैं सेना में जाने के लिए। दिल में देशभक्ति की भावना होती है, दिल में ये भावना होती है कि हम करके कुछ दिखाएंगे अपने देश के लिए, हम अपनी देश की सीमा पे खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। मोदी जी ने तय किया कि अग्निवीर जैसी योजना आएगी, सेना में भर्ती 4 सालों की होगी। जितने भी नौजवान हैं हर प्रदेश में जो तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम सरहद पे जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, हमें स्थिर रोजगार मिलेगा, हम अपने माता पिता की का देखभाल करेंगे, जब तक बुढ़े होंगे, जब तक बुजुर्ग हो जाएंगे तब तक हम उनकी देखभाल कर पाएंगे, सबकी आशाएं टूटी कि नहीं टूटी। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई मोदी जी का राजनीतिक भाषण है जिसमें वो जवानों की बात करते हैं, ओआरओपी की बात करते हैं कि उनके कार्यों में है, जब वो अग्निवीर लाते हैं, जब नौजवानों की आशाएं तोड़ते हैं, तो ये सच्चाई है कि नहीं? इसी तरह से आपने देखा होगा कि यहां पे पर्यटन की बातें करते हैं, कहते हैं कि पर्यटन की बहुत स्कीम गिना देते हैं आपको, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके जीवन है, सच्चाई आपका संघर्ष है, सच्चाई आज की बेरोजगारी है, सच्चाई आज की महंगाई है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, घोटाला हो जाता है, 20-20 लाख की नौकरियां बिक जाती हैं। किसके राज में हो रहा है ये? 10 सालों से किसका राज है? कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना, 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं, 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहाँ से आया? IIT, IIM पूरे देश भर में कहाँ से आए? एम्स कहाँ से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था? ये मुमकिन होता आज? तो सच्चाई क्या है? आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं आपके सामने, कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था, मोदी जी का था, तो पहले कम क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, किसान खेती में खून पसीना अपना दे रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, दिल्ली में, उत्तराखंड के हैं, पलायन करके गए हैं। मैंने पूछा, भाई घर कब जाते हो? साल में एक बार जाता हूँ। मैंने पूछा, दिल लगता है? बोला कि अब मजबूरी है, शहर में तो दिल लग नहीं सकता, लेकिन पूरे परिवार को ले आया हूँ, साल में एक बार 1 महीने का मौका मिलता है, जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि 1-2 महीने और बैठूं, दिल नहीं करता घर आने, यहाँ आने का। घर तो मेरा वहाँ है पहाड़ों में, उन वादियों में, लेकिन दीदी मैं क्या करूँ, वहाँ नौकरी नहीं मिलती, वहाँ रोजगार नहीं मिलता। तो ये बड़ी बड़ी बातें, टूरिज्म, ये वो, ऐसी स्कीम वैसी स्कीम, तो सच्चाई पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो रोजगार क्यों नहीं है आपके प्रदेश में? आपको बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? इतना हुनर है। कुछ दिनों पहले मैं विदेश में थी, विदेश में एक रेस्टोरेंट में थी, तो एक व्यक्ति आए मेरे पास कि फोटो खींच लूं मैं आपके साथ। मैंने कहा खींचिए। कहाँ के हैं? मैं उत्तराखंड का हूँ। क्या करते हैं? खाना पकाता हूँ। और उन्होंने मुझे बताया कि कितने हुनर के साथ कितने सारे उत्तराखंडी लोग बाहर विदेश में शेफ बने हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे आपके अपने प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है। हम क्या कह रहे हैं?
हम एक सीधी सी बात कह रहे हैं, जहां भी जाती हूं मैं यही कहती हूं, चुनाव को मुद्दे पर लड़वाओ। नेताओं को ये कहती हूं, जब मुझे कहते हैं कि भाई मोदी जी ने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, हम क्या करें, धर्म की बातें करते हैं, मैं कहती हूं आप मुद्दों की बात करो। 10 साल बीत गए हैं, सब कुछ देख लिया जनता ने, जितने काम आपने करने थे वो कर लिए आपने, देख लिया है जनता ने क्या किया क्या नहीं किया। अब जनता चाहती है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, और मैं आपसे कह रही हूं आपके मुद्दे क्या हैं आज, क्या हैं? रोजगार, यही पेपर लीक, यही 20-20 लाख के जो रोजगार बिक रहे हैं, ये जो नौजवान बच्चे सारे बेरोजगार बैठे हैं क्योंकि सरकार की कोई स्कीम नहीं है। इनकी स्कीम है कि जो भी है बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दो, देश की जो संपत्ति हम सबके पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने मेहनत से बनाई, बड़े बड़े PSU बनाए जिससे रोजगार मिलते थे, बड़े बड़े उद्योग जिससे रोजगार मिलते थे, ये सब तो आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया। तो अगर आपकी रोजगार की स्कीम ही यही है कि अडानी जी और अंबानी जी को सब आप सौंप रहे हैं, तो ये जो बच्चा है, जो बेरोजगार है, जो गांव में है, जो छोटी छोटी शहरों में मेहनत कर रहा है, रोजगार ढूंढ रहा है, इसका क्या होगा? अगर इसकी सारी संपत्ति उठा के आप किसी को दे रहे हो, इसका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में सेब के किसान हैं, जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं सब अडानी जी को दे दिए। अब अडानी जी तय करते हैं कि सेब की कीमत क्या होगी, किसान का क्या होगा? किसान तो अपनी दुकान बेचारा बंद कर देगा। तो चाहे आप छोटी चीज में देखिए चाहे बड़ी में, इनकी एक ही स्कीम है इस देश के लिए, सारी संपत्ति अपने ही दोस्तों को देकर इस तरह से बटोर के रखनी ताकि सत्ता में रह पाए। आपको समझना पड़ेगा कि आज आपके साथ क्या हो रहा है। मैंने शुरू में बोला कि आप सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई कठोर है। सच्चाई ये है कि जो मोदी जी आपको मंच पे दिखते हैं, जो TV पे दिखते हैं, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग पे दिखते हैं, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आपने 10 सालों के लिए परखा है, 10 सालों के लिए देखा है। सिर्फ एक ही सवाल होना चाहिए आपके मन में चुनाव के समय, मेरे जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? क्योंकि TV पे आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, आपको तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अलग अलग देशों के आके बता रहे हैं कि भाई देश की बड़ी तरक्की हो रही है, आपको G20 दिख रहा है, आपको तमाम ऐसी चीजें दिख रही हैं जिससे आपको लग रहा है कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश का सम्मान भी बढ़ रहा है। किसको गर्व नहीं होता है, हमें भी होता है, हमारा देश है, हमारे परिवार के सदस्यों ने भी खून दिया है इस देश के लिए। हाँ, अच्छा होता है, देश गर्व होता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। इस सच्चाई में मिली हुई वो सच्चाई है जो आप जी रहे हैं, वो संघर्ष है जो आपका संघर्ष है, जो इस देश के किसान का संघर्ष है, जो इस देश के मजदूर का संघर्ष है, जो मेरी बहनों का संघर्ष है, जो बाजार जाती हैं त्योहार के समय, अभी नवरात्रि के समय भी कुछ खरीदने जाती हैं लेकिन वापस आ जाती हैं आधी चीजें छोड़कर, क्योंकि पैसा नहीं बनता। उस उत्तराखंडी व्यक्ति ने मुझे बताया कि चाहे कितनी भी मेहनत कर ले दीदी, पूरा नहीं हो रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरी बीवी कर रही है, मेरा बेटा कर रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। आजकल बच्चों की मांगें भी अलग हैं, बच्चों की महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं। हम सब पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, अच्छे अच्छी पाठशालाओं में भेजना चाहते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहते हैं। क्या ये सही है कि आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होना चाहिए, और सरकार आपके लिए कोई स्कीम नहीं लाए, अग्निवीर जैसी वाहियात स्कीम लाए? तो आप सोचिए कि आपको चाहिए क्या। या तो आप बह जाएंगे ये TV के इश्तिहारों में, होर्डिंग में, मोदी जी की बड़ी बड़ी बातों में, या फिर आप समझेंगे कि कौन सा राजनीतिक दल क्या करना चाह रहा है आपके लिए।
आप जानते हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि अग्निवीर की स्कीम रद्द की जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि ये जो पेपर लीक का हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं पूरे देश में, इसके लिए एक सख्त कानून लाया जाएगा, कि एक जॉब कैलेंडर लाया जाएगा जिसमें नियुक्ति का दिन, एग्जाम का दिन, रिजल्ट का दिन पहले से तय होगा, और उस जॉब कैलेंडर से इधर 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 उधर जिसने किया उसके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। क्या आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 30 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में, केंद्र सरकार में 30 लाख खाली पद हैं मोदी जी के सरकार में जो भरे नहीं गए हैं, और कांग्रेस कह रही है कि सरकार बनते ही ये 30 लाख पद भरे जाएंगे, आपको रोजगार दिए जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि 5000 करोड़ का एक फंड होगा, कि आप नौजवान यहां बैठे हैं, कल आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप छोटा करना चाहते हैं, तो ये फंड आपकी मदद करेगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी स्कीम दे रही है, बताइए जानते हैं कि नहीं? आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा जो आक्रमण आज हो रहा है इस देश में आपकी जागरूकता पे है, आपके पास जानकारी पहुंच ही नहीं रही है। आप टीवी पे एक ही चीज देखते हैं, आप मीडिया में एक ही चीज देखते हैं, फोन खोलते हैं एक ही चीज देखते हैं, और वो एक ही चीज जो मोदी जी की प्रशंसा हो रही है दिन रात, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो पूरी मीडिया और जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आप सुन रहे हैं, सारा बिका हुआ है। सच्चाई आपको दिख नहीं रही है। तो मैं यहां मंच पे खड़ी होकर क्या कहना चाहती हूं आपको, कि जाग जाओ, जाग जाओ, आपके भविष्य का सवाल है। हम तो घर चले जाएंगे, भगवान की कृपा से भविष्य तो ठीक ठाक होगा हमारा। नेता है सब, चाहे हम इस पार्टी के हों उस पार्टी के हों, आपका क्या होगा? नहीं, मैं पूछ रही हूं आपसे, मैं पूछ रही हूं आपसे, आपका क्या होगा? क्या आप 5 साल और यही होर्डिंग देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे कि कहीं ना कहीं तरक्की हो रही है, कि कहीं ना कहीं किसी नौजवान को मोदी जी ने नौकरी दे दी होगी, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि हमें तो नहीं मिल रही है। अरे हमारे घर में तो वही हो रहा है, उतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी ढूंढ ढूंढ कर हमारा बेटा भटक रहा है। हमने तो पढ़ाया, मेहनत की, BSc कर ली, MSc कर ली, किसी न किसी तरह जुगाड़ करके हमने ट्यूशन के पैसे भी भर लिए, रोजगार के लिए एग्जाम भी दे दिया, फिर भी कोई रोजगार नहीं है। 5 साल और ये चाहते हैं आप? 5 साल और ये चाहते हैं कि यहां आकर नेता आपको बोले देवभूमि है, देवभूमि है, लेकिन जब आपदा आए तो इनकी सिर्फ पीठ दिखती है आपको? क्या 5 साल और आप ये देखेंगे कि मंच पर आकर आपको कहेंगे कि पर्यटन की बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, लेकिन जमीन पे एक स्कीम नहीं उतरती, सिर्फ आपको एक 5 किलो का राशन मिलता है, आप उसी से क्या 5 साल खुश रहेंगे? मैं ये नहीं कह रही हूं कि बुरी बात है, अच्छी बात है, चलो ये बात की है तो अच्छी बात है, लेकिन काफी नहीं है। जैसे आप ही के एक बेटे ने मुझे बताया कि दीदी हम मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है, उस तरह से मैं आपसे कह रही हूं कि ये जो एक बोरा राशन आपको दे रहे हैं, इससे आपका भविष्य पूरा नहीं हो रहा है। जाग जाओ, जाग जाओ, आज अगर बदलाव नहीं लाओगे, अगर सही नेता को नहीं पहचानोगे, अगर सही तरह की राजनीति को जबरदस्ती इस देश में नहीं लाओगे और बदलाव नहीं लाओगे, तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। आपने सही कहा, आपने सही कहा। आप मुझे बताइए, नारी शक्ति की बात कौन करता है? कौन करता है?
मोदी जी करते हैं, पहले तो आरक्षण लाए, उन्होंने बोला बहुत धूमधाम से आरक्षण पास हुआ, देश भर से महिलाओं को इकट्ठा करके माले पहनाए मोदी जी को, पता चला वो आरक्षण तो 5-6 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा, तो पास किस लिए किया भैया? सत्ता में हो ना, फिर आप हर मंच पे जाके बोलते हो नारी शक्ति, बोलते हो अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, जिन्होंने उसका शोषण किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उसको उनको संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी बताएं, मोदी जी जब उत्तराखंड में आएंगे, जब मंच पे खड़े होंगे, तो पब्लिक मोदी जी से पूछे कौन संरक्षण दे रहा है, मोदी जी से पूछे कि जब हाथरस में वो कांड हुआ था, जब उस महिला को जलाया गया था बीच रात में, तो उन जिसने जलाया उनको संरक्षण किसने दिया? मैं गई थी, मैंने उस महिला के परिवार से बात की, उन्होंने मुझे बताया किसने संरक्षण दिया, आप मोदी जी से पूछिए किसने संरक्षण दिया। उन्नाव में जो हुआ, उन्नाव में एक लड़की को उसके साथ अत्याचार करने के बाद उसको जलाया गया, वो 1 किलोमीटर चली, जलते जलते चली, उसके परिवार से मैं मिली, परिवार ने न्याय मांगा। मैं पूछती हूं कि उसके हत्यारों की का संरक्षण किसने किया? मोदी जी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए कि जब एक फौजी की बीवी के साथ अत्याचार हुआ मणिपुर में, जब उसको उसका वस्त्र हरण हुआ और उसको ऐसे चलाया गया पूरे गांव के सामने, तो उन लोगों का संरक्षण उनको किसने दिया, किसने दिया? मोदी जी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए कि जब ओलंपिक का मेडल जीत के आई, जो रेसलर्स थी महिलाएं जीत के आई, तब तो आपने चाय पिलाई उन्हें, घर बुलाया उनको, और जब सड़क पे बैठी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जी 5 मिनट के लिए हमसे बात कर लीजिए, तो मोदी जी कहां थे? कहां थे मोदी जी? जब उत्तराखंड आएंगे मोदी जी, उनसे पूछिए कि ये जो आप नारी शक्ति की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? मोदी जी मतलब क्या है? आप कोई भी ऐसी बात करते हैं जिसमें गहराई है, जिसमें असली श्रद्धा है नारी के लिए, नौजवान के लिए, सैनिक के लिए, किसान के लिए, किसान निधि की बात करते हैं, किसान निधि की बात करते हैं, कहते हैं बहुत खुश होना चाहिए किसानों को क्योंकि हमने किसान निधि दी है, बहुत अच्छा। जब आपदा आती है तो किसान के पास कोई आता है मुआवजा देने के लिए? मुआवजा मिलता है? जब किसान आंदोलन कर रहा था, मोदी जी कहां थे? मैं बताती हूं कहां थे। किसान आंदोलन कर रहा था दिल्ली के बॉर्डर पे, ठंड में 600 किसान शहीद हुए, बैठे थे ठंड में, पानी काटा गया उनका, कभी कभी बिजली काट देते थे, महीनों के लिए बैठे रहे। मोदी जी कहां थे? दुनिया में भ्रमण कर रहे थे, और जब दिल्ली में थे तो उनका घर मात्र 6-7 किलोमीटर दूर था, एक बार किसानों को बुलाया नहीं, एक बार किसानों के पास नहीं गए, एक बार किसानों की सुनवाई नहीं हुई। चुनाव आने लगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव था उस समय, मैं प्रचार कर रही थी उधर, चुनाव का समय आने वाला था, 2 महीने बचे थे, अब चुनाव आ रहा है, अब सत्ता की बात है, अब राजनीति की बात है, अब सत्ता बचानी है, किसान के जो काले कानून थे वापस ले लिए। लेकिन जब तक चुनाव नहीं आया, तब तक किसान सड़क पे बैठा रहा और मोदी जी उनकी सुनवाई नहीं किए। अब कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि हम MSP को कानून बनाएंगे, कि हम उत्तराखंड में जिस तरह से हिमाचल में जो बंजर वादियां हैं उनका कल्टीवेशन करवाएंगे, क्लस्टर में करवाएंगे, ताकि यहाँ पे भी मशरूम, हल्दी, इस तरह की चीज उग सकती है और उनका अच्छी तरह से निर्यात, आयात निर्यात हो सकता है।
हम कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो मोदी जी ने किया उसको आप समझिए, ये जो जीएसटी लगाई है इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? छोटा दुकानदार जो होता है, जो अपना कारोबार करता है, और किसान, क्योंकि किसान जिस चीज को इस्तेमाल करता है खेती करने के लिए उस हर चीज पे जीएसटी लगी हुई है, तो महंगाई उसके लिए तो आसमान छू रही है। कमाई कम होती जा रही है, कमाई खेती से कम होती जा रही है, खेती से रोजगार भी कम होते जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि किसानों के लिए जो भी आप इस्तेमाल करते हैं खेती में वो अब जीएसटी से मुक्त हो जाएंगी चीजें, वो सारा सामान जीएसटी से मुक्त हो जाएगा। हम छोटे छोटे कारोबारों को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम छोटे कारोबारों को मजबूत बनाना चाहते हैं कि ताकि इनसे रोजगार बने। आप जानते हैं कि अडानी जी क्या करते हैं? कोई बता सकता है कि अडानी जी के जो इतने सारे बिजनेस हैं इस देश में कितने रोजगार देते होंगे? हाँ, चलो 23,000। अब मुझे मालूम नहीं कि ये सच या सही आंकड़ा है कि नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक उद्योगपति जो पूरे देश के बंदरगाह उसके पास हो गए हैं, दिए गए हैं उसको, सारे हवाई अड्डे उसके पास हैं, बड़े बड़े कारखाने उसके पास हैं, सारी कोल्ड स्टोरेज उसके पास है, ये सारी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है तमाम उसके पास है, और मात्र इतने सारे रोजगार? बस एक जमाने में टाटा बिरला आपने सुना है, आपको मालूम था कि क्या बनता है? टाटा ट्रक बना रहा है, कुछ और बन रहा है, ये आप जानते थे कि भाई ये काम है इनका, ये बनाते हैं और ये बनाने में हमें रोजगार मिलता है। आप आज इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में ये नहीं कह सकते। मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ, मैं 2-3 उद्योगपतियों की बात कर रही हूँ जो इनके खास हैं, जिनको इन्होंने पूरी संपत्ति सौंप रखी है। तो हम चाहते हैं कि जो रोजगार पैदा करने वाले उद्योगपति हैं, जो तमाम भरे हुए हैं इस देश में, चाहे बड़े हों, छोटे हों, मीडियम साइज के हों, उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि रोजगार बने, जो खाली पद हैं उन्हें भरा जाए, महंगाई को घटाया जाए। सिलेंडर जहां जहां कांग्रेस के प्रदेश हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पूछिए गैस सिलेंडर का क्या दाम है। राजस्थान में देखिए, 25 लाख का बीमा था स्वास्थ्य बीमा, 25 लाख रुपए तक आपको जितना भी इलाज कराना था आप मुफ्त में करा सकते थे। जैसे ही इनकी सरकार आई स्कीम बदल दी, 25 लाख से 5 लाख कर दिया। हम चाहते पूरे देश में इस तरह की स्कीम आए, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम लाएंगे, और हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं हम एक एक जिले में, एक एक गांव में लाना चाहते हैं। हमने ये काम कई जगह करके दिखाया है। ऐसे करो, मेरा भाषण आप दे दो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अब मोदी जी कहते हैं कि सब भ्रष्ट हैं, सिर्फ वही पाक हैं, कहते हैं कि नहीं, और अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद की तारीफ खुद करते हैं कि भाई मैं ही एक ईमानदार हूं इस पूरे देश में, बाकी सब चोर हैं। 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, हाँ, बाकी जितने मुख्यमंत्री उनके नहीं है उन पे केस डाल दिए, मेरे भाई का घर ले लिया, ये पता नहीं क्या क्या कर दिया, कैसे कैसे केस, कहीं सूरत में केस है तो कहीं बिहार में केस है तो कहीं और केस, ताकि वो दौड़ते रहे एक जगह से दूसरी कचहरी में, ठीक है। सारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर लिया, सारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर लिया कि भाई इस पे दबाव डालो, इसको भाजपा में ले आओ, उस पे दबाव डालो, उसकी सरकार तोड़ दो, हिमाचल में पैसे दे दिए विधायकों की, तुम इधर से उधर हो जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, और ये काम सरकारों को तोड़ने का, लोगों को भ्रष्ट कहने का, एजेंसियां भेजने का, ये काम करते जा रहे हैं दिन भर। बहुत व्यस्त हैं इस काम में, इतने व्यस्त हैं कि आपके रोजगार के बारे में भूल गए हैं, कि महंगाई के बारे में भूल गए हैं। और फिर सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनिए,
कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये जो चंदा ले रहे हैं इसका खुलासा करिए। खुलासा किया, क्या पता चला? जो पुल बनाया था गुजरात में जो गिर गया, उसका चंदा खा गए। जो वैक्सीन लगी थी आपको कोविड में, उसका जोर से बोलो। अब ऐसे अनगिनत चीजें हैं उसमें, किसी को ये ठेका दिया चंदा लिया, किसी को पे एजेंसी डाल दी उससे चंदा ले लिया कि भैया अब रिहा हो गए हो तुम, एजेंसी तुम्हें छोड़ देगी। तो भ्रष्ट कौन है, भ्रष्ट कौन है बताइए? तो अब सब सारी सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी है। कोई बड़ा बड़ा भाषण नहीं दिया मैंने आपको, कोई नई बात भी नहीं सुनाई, ये सारी सच्चाई आपके सामने है। आपका जो जीवन का अनुभव है ना, वही सच्चाई है भाई और बहनों, और कोई सच्चाई नहीं है। और हमारे हिंदू धर्म में भी यही कहते हैं कि सच्चाई वो है जिसका अनुभव आपको है। सच्चाई ये है कि 15 लाख बोला था आपको मिले नहीं, सच्चाई ये है कि 2 करोड़ रोजगार बोला था आपको मिले नहीं, सच्चाई ये है कि खुद को ईमानदार बोलकर पूरे भ्रष्ट साबित हुए। तो ये सच्चाई है, अब आपके सामने ये सच्चाई रख दी, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है बताओ? तुम तो नेता बनोगे। सब नेता ऐसा ही होना चाहिए, एक एक नेता यहां बैठा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता ही सबसे बड़ा होता है लोकतंत्र में। देखिए आप पब्लिक हैं, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के लिए बहुत मेहनत की बहुत लोगों ने, आपके पूर्वजों ने की। अब आपकी बारी है कि आप भी मेहनत करें। क्या मेहनत? आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, जागरूक बने। जो पार्टियां कह रही हैं, जो स्कीम आपके लिए लाना चाहती हैं, देखिए कि भाई ये सच्चाई है कि नहीं। अच्छा, ये ऐसा कह रहे हैं, ओपीएस की बात हुई, क्या कांग्रेस के प्रदेशों में आज ओपीएस लागू है कि नहीं? पता करिए ना, क्योंकि लागू है। जो कांग्रेस ने गारंटी दी, क्या वो लागू है कि नहीं? क्या कर्नाटका में जो महिलाओं को कहा था कि 1500 रुपए आपको मिलेंगे, वो मिल रहे हैं कि नहीं? या शायद कर्नाटका में और थे, 2000 थे। आज हम कह रहे हैं कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे, केंद्र देगी, केंद्र की सरकार देगी। आज हम कह रहे हैं कि अगर एक नवयुवक के पास रोजगार नहीं है, उसको सरकार पैसे देगी जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता है। अप्रेंटिसशिप की स्कीम है। तो ये सब बातें आप समझिए, इनको जानिए, क्योंकि इन्हीं से आपका भविष्य जुड़ा है। जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। तो अपने अनुभव पर उतरिए, अपनी असलियत को समझिए। और जो नेता आपके सामने हैं, जो धर्म की बातें करते हैं लेकिन धर्म का इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, उनको समझिए। परख लिया आपने, देख लिया है, बहुत हो गया है। अब ये बार बार मोदी सरकार नहीं चलेगी, इस बार जनता की सरकार बननी चाहिए। इस बार उस बेरोजगार नौजवान की सरकार बननी चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए। इस बार एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो सर्वप्रथम, जिसके लिए सर्वोपरि आप है, जिसके लिए सर्वोपरि आपके मुद्दे हैं, आपकी महंगाई कम करना, आपके रोजगार दिलवाना, आपके लिए शिक्षा की सुविधाएं, आपके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं,
कि आप गर्व से कह सकते हैं कि मैंने ये सरकार चुनी, ये मेरी सरकार है। अब बहुत लंबा हो गया मेरा भाषण, आपने खूब उसमें अपने मुद्दे डाले, तो मैं आज्ञा चाहती हूं जब आप वोट डालने जाएंगे और किसी का मत सोचिए, और किसी का मत सोचिए, ना मोदी जी का ना किसी और का, अपना सोचिए, अपनी सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, और अपने भविष्य को बनाने के लिए एक ही सरकार आ सकती है, कांग्रेस की सरकार। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ कहिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हेलो, धन्यवाद प्रियंका जी, आपने नया जोश भरा सब कार्यकर्ताओं में। इसी के साथ यहाँ पहुँचे हुए सभी सम्मानित जनता का धन्यवाद।